हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शर्मा, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ थ्योरम्स देखेंगे और कुछ एक्सियम्स देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स के। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा था। टाइप्स ऑफ एंगल्स का मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग एंगल्स क्या होते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम लोगों ने जाना था और उन्हीं एंगल्स से रिलेटेड अब हमको कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। उन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ एक्सियम्स पता होने चाहिए और एक्सियम्स के साथ साथ कुछ थ्योरम्स पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सियम्स क्या होता है, याद करिए वो दिन जब हम लोगों ने इक्विलेटरल ज्योमेट्री पढ़ी थी, वहां पे आए थे बहुत सारे एक्सियम्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वही एक्सियम्स यहाँ पे भी आएंगे, लेकिन एक्सियम्स होते क्या है, एक्सियम्स वो चीज होती है मैथ्स में जिनको हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं, ठीक है। जब जो चीज एक्सियम्स में लिख दी गई है उसको हमको मान लेना है ना। जैसे हम लोग अपने जो ग्रंथ पढ़ते हैं, अपनी धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, उसको हम लोग मानते हैं, उसमें हम लोग सवाल नहीं उठाते, वैसे यहाँ पे एक्सियम्स हैं। ये जो एक्सियम्स हैं उसको हमको एज इट इज मानना ही मानना है, और इस एक्सियम्स की मदद से ही हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे, इसकी हम लोग मदद लेंगे, ठीक है। देखिए, चलिए, एक चीज लास्ट क्लास में बहुत ही तेजी से हम लोगों ने पढ़ी थी, वो थी अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं कि ये चीज होती क्या। देखिए, जब हमारे पास कोई दो लाइन है पैरेलल, एल और एम, मैंने इसको नाम दे दिया, और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है। देखिए, दो लाइन होती है, एक होती है पैरेलल लाइन, एक होती है ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन को नाम दे दिया गया एम, ठीक। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये इस पैरेलल लाइन को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जो हमारा एंगल 3 और एंगल 6 होगा, एंगल 3 और एंगल 6, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब ये जो ट्रांसवर्सल है इसके एक तरफ, इसके सेम साइड पे जो एंगल्स बनते हैं और अंदर की तरफ जो बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे कि एंगल 4 और एंगल 5 भी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, बड़ा बड़ा नाम हम लोग ले रहे हैं बार बार के एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका कोई छोटा नाम भी तो होगा। छोटा नाम बिल्कुल है, क्या कहते हैं इसको, को इंटीरियर या कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स या एलाइड एंगल्स, ये तीनों इसी के नाम है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये बताइए कि आपको ये फिगर बना दिया गया, ये डायग्राम बना दिया जाए, फिर आपसे ये कहा जाए कि इसमें ये बताओ कि इसमें को इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं या कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कौन से हैं या अलाइड एंगल कौन से हैं, तो आपको बताना है एंगल 3 एंड एंगल 6, फिर एंगल 4 एंड एंगल 5, ये दोनों क्या है हमारे एग्जीक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं, ठीक। देखिए, इन लोग की अभी हम लोग आगे चल के थ्योरम्स में स्टडी करेंगे कि ये एंगल 4 क्या होगा, एंगल 5 क्या होगा, एंगल 3 क्या होगा, एंगल 6 क्या होगा, या इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा। इस चीज के लिए हम लोग आगे चल के अभी थ्योरम्स भी पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन अभी आपको ये जानना है कि को इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्टरनेट एंगल किसको कहते हैं। अल्टरनेट एंगल दो तरह के हो सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, या एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। देखिए, दो तरह से अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। पहले होते हैं इंटीरियर वाले, इंटीरियर वाले मतलब जो इस पैरेलल लाइंस के अंदर बन रहे हो, इस दो पैरेलल लाइन के अंदर बन रहे हो, उनको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। जैसे कि एंगल 3 और एंगल 5 थे, ये क्या थे, अल्टरनेट एंगल थे। एंगल 4 एंगल 6 ये क्या थे, अल्टरनेट थे। और ये दोनों कैसे कैसे एंगल है, इंटीरियर है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सटीरियर भी अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, जैसे ये एंगल 1 और ये एंगल 7, ये एंगल 1 और एंगल 7 इनको क्या कहा जाएगा, एक्सटीरियर। वैसे ही एंगल 2 और एंगल 8 इनको भी क्या कहा जाएगा, एक्सटीरियर, ठीक है। ये तो हम लोग की बेसिक बात हुई टाइप्स ऑफ एंगल्स की। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना पहला एक्सियम, एक्सियम एक्सरसाइज 6.2 में, जो हमारे बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चन सारे जो हम लोग करेंगे या थ्योरम जो प्रूफ करेंगे, हमको इन दोनों एक्सियम्स का काम पड़ेगा, इन दोनों एक्सियम्स का मदद लेंगे। जहां भी हम कहीं फंसेंगे, आपको ऐसा लगेगा यहां तो हम फंस रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, याद करना है। जैसे हम लोग अपनी लाइफ में कभी फंसते हैं तो किसको याद करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं। ऊपर वाले कैसे याद करते हैं, उनकी पूजा करके, अर्चना करके, नमाज पढ़ के, या उनके ग्रंथ का इस्तेमाल करके, उनकी जो पवित्र किताबें हम लोग की उसको पढ़ के। वैसे यहाँ पे एक्सियम्स, एक्सियम्स क्या होगा, देखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये क्या बात लिखी इंग्लिश में, समझ में नहीं आई। देखिए, इसको मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, कह रहे हैं कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है और ये हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। इसको मान लिया हमने एम, इसको मान लिया हमने एन, और इसको मान लिया हमने, चलिए मान लिया एल, ठीक है।
intersects two parallel line, then each pair of corresponding angles are equal. कह रहे हैं कि जब भी कोई transversal line दो parallel line को intersect करती है, तो उसके सारे corresponding angle equal होते हैं. ये हमको proof नहीं करना, ये कह दिया गया कि corresponding angle equal होंगे ही होंगे. क्या आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे corresponding angles क्या होंगे? मैं name कर रहा हूँ, जैसे name कर दिया मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये सारे हमारे क्या हो गए? Corresponding, ओ, सारे angles हो गए. अब इसमें corresponding angles equal होंगे, तो corresponding angles कौन कौन से होते हैं? Angle 1 और angle 6. Angle 1 and angle 6 ये corresponding angle है. और क्या कहा गया कि corresponding angles क्या होंगे? Equal होंगे. क्या कहा गया कि corresponding angles equal होंगे. वैसे ही angle 2 और angle 5 भी equal होंगे. ठीक, angle 4 और angle 8 भी equal होंगे. Angle 3 और एंगल 7 भी इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये सब सारे क्या है? करस्पॉन्डिंग. ये क्या है? करस्पॉन्डिंग. इसलिए ये सब के सब क्या है? इक्वल है. इतनी बात समझ में आई आपको? पहला एग्जाम समझ में आया कि जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. अब देखिए दूसरी, दूसरा एग्जाम कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट, मतलब जो पहला एग्जाम है उसका उल्टा, पहला एग्जाम का उल्टा अपोजिट. देखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसने दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है. उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं. तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो जो दो लाइन होंगी, ये लाइन M और N, ये पैरेलल होंगी ही होंगी. ठीक है, आगे चल के जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूफ कर दीजिए. तो आपको पैरेलल कैसे प्रूफ करना है? ये एंगल्स, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, उनको इक्वल प्रूफ करके. फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, बहुत बड़ी बात कही है, ध्यान से सुनिए. जब क्वेश्चन में ये कहा जाए कि हमको, हमारे पास दो लाइन है और इन दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक, तो आपको क्या करना है? पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको करस्पॉन्डिंग एंगल को ही इक्वल दिखा देना है. जैसे आपने करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखाया, वो लाइन अपने आप में पैरेलल हो गई. क्यों इक्वल होगी? क्योंकि ये हमारा एक्सियम कह रहा है. क्यों कह, क्यों होंगी? क्योंकि ये हमारा एक्सियम कह रहा है और एक्सियम पे हम लोग उंगली नहीं उठाते हैं. ठीक है, उसके बाद ये दो एक्सियम आपको याद रखना है हमेशा. जब हम लोग क्वेश्चन प्रूफ करते हैं, तो उसके बाद हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि हमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया. तो आपको लिखना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम या पैरेलल लाइन एक्सियम, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा वहां पे. ठीक है, अब देखते हैं पहला थ्योरम. अब थ्योरम क्या होता है? थ्योरम हमको प्रूफ करना होता है ना. एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन तो आते ही है, साथ में थ्योरम को भी प्रूफ करने के लिए आता है. क्वेश्चन भी प्रूफ करने के लिए आता है और थ्योरम भी प्रूफ करने के लिए आता है. एक्सियम कभी भी प्रूफ करने के लिए नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि उनको हम लोग एज इट इज मानते हैं. ठीक, पहला थ्योरम कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस. चलिए बता लेते हैं हम लोग प्रूफ. गिवन क्या है पहले लिख लेते हैं. जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें सबसे पहले लिखा जाता है कि गिवन क्या दिया हुआ है. चलिए यहां पे हम लोग लिखते हैं गिवन. ठीक, यहां पे हम लोग फिगर बना लेते हैं. ये देखिए, देखिए लिखा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस हो गई एम और एन. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच ऑफ द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. चलिए इसमें एंगल्स पहले बना लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये हमारे एंगल्स हो गए. ठीक, कह रहे हैं गिवन क्या है? टू पैरेलल लाइंस. जब भी टू पैरेलल लाइंस दिया रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7. एंगल 7 जब भी पैरेलल लाइंस दी गई, तो हमने ये लिखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से. वही वो ये कहता है कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो, तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे. ये वो कह रहा है, हम लोग वहीं से लेके आए, अपनी मर्जी से नहीं लाए. गिवन ये है. टू प्रूव हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6. हमको क्या प्रूफ करना है? कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे. तो अब यहां पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं? प्रूफ. बहुत ध्यान से देखिएगा. देखिए सबसे पहली चीज,
क्या लिखना है हमको कि एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ओ सॉरी हम लोग को एंगल 4 नहीं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक। फिर क्या दिख रहा है आपको कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5 भी तो है, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5 भी तो है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये क्यों? ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। बात समझ में आई? क्या कहा मैंने कि एंगल 4 बराबर है एंगल 7 के, क्यों? करस्पॉन्डिंग है, और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5 है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देखिए यहां पे दो दो ये दोनों इक्वल है। अब जब एंगल 4 एंगल 7 के बराबर है और एंगल 7 एंगल 5 के बराबर है, तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। नहीं समझ में आया? अगर मैं इसको इस लाइन को ऐसे लिख दूं, इस लाइन को मैं ऐसे लिख दूं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, तो भी तो बात सही है, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, तो हमको ये पता है कि एंगल 4 एंगल 7 के बराबर है, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर है, और एक साइड यानी राइट हैंड साइड इक्वल है। तो जब भी राइट हैंड साइड इक्वल है तो अलग क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड। तो हमको उन्हीं लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर देना है, उन्हीं लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल कर दिया। जैसे हमने इक्वल किया तो वैसे हमको क्या पता चला कि एंगल 4 एंगल 5 के बराबर है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था कि एंगल 4 है एंगल 5 के बराबर। ये कब हुआ? जब हमने एंगल 4 को एंगल 7 के बराबर माना। अब देखिए क्या किया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। हमने क्या किया कि एंगल 3 को क्या किया, एंगल 8 के बराबर कर दिया, क्यों किया? करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्यों किया? करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक। फिर क्या किया हमने, मैं इधर कर रहा हूं इस तरफ देखिएगा, अब क्या किया मैंने के एंगल 8 और एंगल 6 ये भी तो इक्वल है, यानी एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो काम पहले वाले पार्ट में किया गया था वही काम दूसरे वाले पार्ट में किया जा रहा है। अब फिर से देखिए, एंगल 3 एंगल 8 के बराबर और एंगल 6 एंगल 8 के बराबर, तो अब कौन कौन इक्वल होगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, और यही हमको प्रूफ करना था, ये दोनों हमारे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी क्लास समझ में आई होगी। आज हमारी छोटी क्लास थी, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन की क्लास थी, आगे से जो भी क्लास आएगी वो फिर से वापस अपने प्रॉपर ड्यूरेशन पे आएगी और पूरे लेंथ पर आएगी, मतलब अब 20 मिनट से ज्यादा की हम लोग की क्लास आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी क्लास समझ में आई होगी। बहुत ही बेसिक क्लास थी, एक थ्योरम सिर्फ हम लोगों ने प्रूफ किया, लेकिन एग्जाम्स हम लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं कि एग्जाम्स क्या होते हैं। इस पर हम लोग को खास करके ध्यान देना है, एग्जाम्स को नहीं भूलना है और इस थ्योरम को भी नहीं भूलना है। आगे हम लोग दो चार थ्योरम और करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारा क्लास देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।